हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है दिवाली के लिए ख़ास, और ख़ास किचन के लिए। किचन के लिए इसलिए कि वहाँ पर जो स्विच बोर्ड है, कोई एग्जास्ट फैन है, कोई चिमनी है, इंडक्शन कुकर है, मिक्सी ग्राइंडर, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर एक चिकनाई सी जम जाती है जो कि खाना बनाते समय जो स्टीम होती है वो इसके ऊपर जम जाती है, स्विच बोर्ड, चिमनी, एग्जास्ट फैन के ऊपर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जमती है। और अगर आप इसको उतारोगे, तो अगर आप किसी चाकू से उतारोगे तो आपकी चिमनी है जो इतनी महंगी, वहाँ पर स्क्रैच आ सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा हल है, ये सेवॉन है जो कि अमेजोन से मिल जाता है, आराम से आप मंगवा सकते हो। खास करके जो एग्जास्ट फैन है और जो चिमनी है वहाँ पर अगर आप इसका स्प्रे करोगे, क्योंकि इसीलिए मैं इतना जो गंदा इसका ब्लेड है एग्जास्ट फैन के लेकर आया हूँ आपके लिए दिखाने के लिए, कि इस पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम चुकी है जो कि स्टीम से निकली हुई है और पूरी चिकनाई है। ना तो यह गंदगी किसी साबुन से साफ होगी, ना किसी केमिकल से। अगर हम इसको चाकू से साफ करेंगे तो भी ये ख़राब है, फिर आपके जो ब्लेड है उस पर स्क्रैच आ जाएंगे। चलिए ब्लेड तो सस्ते हैं, लेकिन चिमनी वगैरह जो महंगी है वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली जो स्प्रे है, स्प्रे इसको लगाकर कम से कम 5 मिनट ऐसे ही रहने दो। 5 मिनट तक आप इसको कुछ नहीं करना, 5 मिनट के बाद देखना कि बिल्कुल आसानी से ये देख सकते हो आप कि जितनी भी यहाँ पर चिकनाई लगी हुई है साफ़ हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इस केमिकल में अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ब्रांड के रंग लिखा हुआ है वो भी नहीं उतरेगा। प्लास्टिक पर भी आप इसको लगा सकते हो, एल्युमिनियम पर भी, स्टील पर भी, कहीं पर भी लगा सकते हो। क्योंकि इसकी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि मैकेनिक का काम करते हैं उनके लिए, लेकिन आज मैं खास किचन के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जल्दी जो आपकी चिमनी है या एग्जास्ट फैन है जहाँ पर इस तरह की गंदगी जमी है आसानी से साफ कर सकते हो। बस इसको आपने लगाकर कम से कम 5 मिनट वैसे ही छोड़ देना है, और जो जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पर आप कोई पुराना जो फेंका हुआ तटबुरछ हो उससे ये साफ कर सकते हो। इस वीडियो में कोई भी फेक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, जो कुछ है आपके सामने है। तो आप देख सकते हो नीचे बोर्ड पर कि कितनी गंदगी जितनी भी इस बोर्ड की ब्लेड की थी वहाँ पर जा चुकी है। तो जब आपको लगे कि ये साफ हो गया है, उसके बाद टूटी के पानी से आप इसको पूरा धो दें तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कपड़े से पोंछ कर रख सकते हो, लगा सकते हो बाद में सुखा कर। तो देख सकते हो आप कि जो ब्लेड पहले इतने गंदे थे अब नए जैसे निकल आए हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है जी स्विच बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हो कि एक स्विच नई है, एक पुरानी है, और पुरानी जो स्विच है इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर पानी लगाएंगे तो आपको शॉक लग सकता है, लेकिन यह वाली जो स्प्रे है इसमें से करंट पास नहीं होता। ये एक इंसुलेशन स्प्रे है, इसमें करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। अब जो सप्लाई चल रही है, मैं जहाँ पर ये साफ कर रहा हूँ सप्लाई अभी चालू है यहाँ पर, फिर भी ये आप देख सकते हो कि मुझे इसमें से कोई भी शॉक नहीं लगा। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए स्विच बंद कर लेना।
सिर्फ एक बार मैंने इस पर स्प्रे लगाई है, 5 मिनट छोड़ने के बाद साफ किया और ये देखें स्वेच पर जितनी भी चिकनाई थी वो साफ हो रही है। इसका यूज आप फ्रिज में कर सकते हो जहाँ पर इस तरह की चिकनाई या गंदगी जमी हो, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर या गैस चूल्हा, जहाँ पर भी आपको लगे कि यह काम सर्फ साबुन से नहीं होगा तो आप यह काम इस स्प्रे से कर सकते हो। स्वेच हमारी साफ हो गई थी लेकिन बोर्ड बाकी था जो जिसमें ये गैंग बॉक्स में लगा हुआ है, तो उसको भी हम अभी साफ कर देते हैं। रिजल्ट आपके सामने है जी, जो भी है तो इस तरह से आप कोई भी स्विच बोर्ड को भी आसानी से साफ कर सकते हो। उसके बाद है जी इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर के ऊपर भी काफ़ी गंदगी जम चुकी है क्योंकि खाना इस पर बनता है और जो खाना बनाते समय स्टीम बनती है तेल की, इसके ऊपर आकर जम जाती है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट स्प्रे लगा कर रखो, उसके बाद कपड़े से इसको साफ़ कर दो बस। अभी जो मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आपको पता है कि आपके किचन में सबसे ज़्यादा बिजली से चलने वाला सामान होता है, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा चिमनी या एग्जास्ट फैन, उसके बाद स्विच बोर्ड, उसके बाद मैक्सी, मिक्सर ग्राइंडर, इंडक्शन कुकर, माइक्रोवेव ओवन या कोई और भी आपके पास जैसे हैंडी है, हाथ से चलने वाली ब्लेंडर, काफ़ी सामान है जो बिजली पर चलता है। अगर हम उसको पानी से साफ करेंगे तो पानी उसके अंदर जा सकता है, अगर उसके अंदर पानी चला गया आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। तो इसकी सेफ्टी की वजह से ही ये मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आप अपने किचन की सफाई करनी है, काफ़ी पुरानी जमी हुई गंदगी उतारनी है, तो इस तरह की स्प्रे आप यूज करके देखो, आपको पता चलेगा कि वाकई में ही यह काम करती है। मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने खुद ये अमेजोन से मंगवाई है और मुझे ये बढ़िया लगी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इसी तरह की पहले भी मैं वीडियो अक्सर ही बनाता रहता हूँ, जैसे ये मिक्सी है तो इस पर भी काफ़ी गंदगी आ चुकी है। इस पर हम अक्सर ही कोई जैसे लस्सी वगैरह हो गई या कोई मसाला ग्राइंड किया तो इसके ऊपर जम जाता है। तो किसी भी पुराने टूथ ब्रश से आप इसको साफ कर सकते हो, जहाँ पर आपका हाथ नहीं जा सकता वहाँ पर पुराना कोई टूथ ब्रश हो उससे आप साफ कर सकते हो, और बाद में इसको किसी सूखे कपड़े से साफ करके अच्छी तरह से चमका सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए। जैसे ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर भी अगर हम पानी स्विच में जो टाइमर स्विच है पानी से साफ करेंगे तो इसके अंदर पानी चला जाता है, तो जहाँ पर भी हम यही काम स्प्रे से करेंगे। हमारा जो चैनल है तो मैकेनिकल, लेकिन हम ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, वो चाहे किसी भी तरह की हो। तो आज का जो वीडियो आपने देखी है हमारी, ये भी इसी तरह की थी जानकारी के लिए। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा,
ये प्रोडक्ट मैंने खुद अमेजोन से मंगवाया था। अगर आपको भी चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।